बी पी फर्स्ट और टीआरई टू में कार्यरत जितने भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं और आप लोग का सिटेट में नब्बे नंबर से कम है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि लगभग हर एक जिले से जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो या फिर जब का स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके पात्रता को लेकर जो है वो सबमिट कराए गए बाकी औरंगाबाद वाला मैटर आप लोग को पता होगा कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद के तरफ से आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट भी जो है वो कर दिया गया है लेकिन उसी बीच आप यहाँ पर देख सकते हैं बी पी तरफ से एक आपके पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ है दरअसल यहाँ पर कैंडिडेट की तरफ से जो आपकी आर थे तो उस आरटीआई का जवाब की तरफ से दिया गया और इसमें साफ तौर पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहां पर में 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 पास होने के के लिए कितना नंबर चाहिए इस इस में आपके जो है किए गए हैं उसके साथ ही इस में जिस नोटिस बारे में आपका किया गया यानी अटैच किया गया उसको लेकर भी हम यहाँ पर देखेंगे और फिर से आप लोगों के मन में यहां पर संशय या फिर आप लोग हाँ पर प्रश्न होगा कि अब यहां पर क्या किया जाएगा जिनसे जो लोग यहां पर स्पष्टीकरण सबमिट कर दिए क्या उनको यहां पर जॉब से आपका टर्मिनेट नहीं किया जाएगा और क्या जिनसे स्पष्टीकरण वर्तमान में भी कुछ जिले से आपके मांगे गए

और यहाँ पर बी पी की तरफ से बहुत कम शब्द में और यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके यहाँ पर क्लियर जो है वो दिए गए और दरअसल जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आर लगाते हैं तो उनको बस इतना ही जो है वो जानना होता है और कहीं ना कहीं इसी तरीके से हर एक विभाग की तरफ से आपका आर दिया जाता तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है वो रहता इसमें इस आर में, इस में देखेंगे तो इसमें जो आपके प्रपत्र के बारे में जिक्र किया गया है जो कि डेट आप यहाँ पर देखेंगे उन्नीस छः दो आप इस डेट को जो है ध्यान रखिएगा क्योंकि इस डेट को जो बी की तरफ से लेटर जारी किया गया तो उसको भी हम नीचे जो है आपको दिखाएंगे और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ तौर पर बोला गया कि किसी राज्य विशेष नहीं यानी यहाँ पर जो आपके आदेश जारी किए गए हैं इस आदेश में कोई यहाँ पर राज्य विशेष नहीं है बल्कि यहाँ पर सबके लिए ये आपका जो आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी किया गया है इसमें आपका बोला गया कि, कि किसी राज्य विशेष नहीं अपितु सभी सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को यहाँ पर पचपन प्रतिशत के आधार पर सीटेट में उत्तीर्ण माने जाने का जो आपका वर्णन है वो यहाँ पर आपका किया गया है कहाँ पर वर्णन किया गया है तो ये जो आपका उन्नीस छः दो हज़ार तेईस को जो आपका बी पी एस सी की तरफ से लेटर जारी

बिल्कुल उत्तीड़ है जिस तरीके से आपके इस आर का जो जवाब है वो यहाँ पर आपका बी की तरफ से जो है वो दिया गया है अब यहाँ पर जो आपने डेट देखा था डेट आप देखेंगे उन्नीस छः दो अब उस उन्नीस छः दो का जो आपका लेटर है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए दरअसल यहाँ पर क्या है कि सत्रह छः दो को यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका लेटर जारी किया गया तो उस लेटर को यहाँ पर बी पी की तरफ से उन्नीस छः दो को जो है वो जारी किया गया आप यहाँ पर इस लेटर को जो है वो देख सकते हैं दरअसल ये जो आपका लेटर था वो यहाँ पर आपका शुद्धि पत्र था जब यहाँ पर बीपीएससी पी की तरफ से टी फर्स्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इसमें जो आपका सीटेट का जो आपका छूट मिलता है तो इसको आपका मेंशन करना जो है बीपीएससी पी की तरफ से भूल गया था क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से इसके बारे में आपकी जानकारी जो है उन्हें दी गई थी फिर यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी थे तो उनके तरफ से इस चीज़ का मांग किया गया तो फिर यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है तो उनके तरफ से सत्रह छः दो को यही आपका आदेश जो है वो दिया जाता है और इस आदेश को बी की तरफ से शुद्धि पत्र के संदर्भ में यहाँ पर आपका उन्नीस छः दो को जो है वो जारी कर दिया जाता है जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे आपका बोला गया कि सामान्य कुटी की जो महिला उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55 प्रतिशत यानी आपके यहाँ पर सीटेट में बयासी नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं कोई दिक्कत नहीं है ये आप नोटिस देख लिए और ऊपर यहाँ पर बी का जो आपका आरटीआई का रिप्लाई था उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए अब यहाँ पर जो आपके मन में संशय है उसको लेकर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अब क्या कार्रवाई नहीं किया जाएगा क्या नियुक्ति पत्र रद्द नहीं किया जाएगा तो देखिए इस आरटीआई के जवाब से यहाँ पर बिल्कुल जो शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर नहीं मानेंगे क्योंकि ये जो आपका आर का जवाब है वो यहाँ पर बी पी की तरफ से जो है वो दिया गया है और जो आपका दस्तावेज वगैरह हो या फिर जो भी आपके स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं या फिर कुछ जिले में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट कराए जा रहे हैं या फिर औरंगाबाद में जिनकी नियुक्ति भी रद्द की गई तो ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से पंद्रह मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था उसी आदेश के अनुसार यहां पर जो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई है तो वो यहाँ पर आपके इस तरीके से जो है वो किया जा रहा है तो इसलिए आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो शिक्षा विभाग वाले हैं वो इस बीपीएससी के मात्र एक आरटीआई से वो लोग यहां पर जो है वो रुकने वाले नहीं हैं तब तो आप लोग यहां पर बोलेंगे तब तो फिर है हम लोग के लिए यहां पर किसी भी तरीके का आपका पॉजिटिव वगैरह वो तो आपका आरटीआई रिप्लाई नहीं है देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है उससे आप लोग यहाँ पर कई जगह जो बेनिफिट है वो यहां पर आपका जो है मिलने वाला है क्योंकि यहां पर जो आपका बीपीएससी है उनके तरफ से आपका एग्जाम लिया गया और जो भी यहां पर आपके

नोटिफिकेशन को ही आप लोग यहां पर देखकर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे और जिनके तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी किया था जारी किया गया था और जिनके तरफ से आपका फॉर्म सबमिट कराया गया जिनके तरफ से आपका एग्जाम लिया गया और जिनके तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया गया उनके तरफ से आपका बोला जा रहा है कि आपका यदि सीटेट में पचपन है आप यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं कोई यहां पर, को पर राज्य का बाध्यता नहीं है तो आप यहाँ पर बिल्कुल इलिजिबल हैं तो आगे जब भी आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहां पर चैलेंज करने में आपको यहाँ पर ये जो आर का जो आपका जवाब है वो यहाँ पर आपको काफी कई जगह आपको बेनिफिट जो है मिलेगा अब यहां पर देखिए चैलेंज करने को लेकर कहां पर आपका बेनिफिट मिलेगा तो आप सभी लोगों को पता है कि ये तो आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास हालांकि ये भी आप यहाँ पर कोशिश करेगा कि ये जो आपका आरटीआई का जवाब है उसे आप लेटर वगैरह या फिर मेल वगैरह करके या फिर आप यहाँ पर डाक वगैरह के माध्यम से या फिर आप ज्ञापन वगैरह के माध्यम से ये जो आपका बी पी का की तरफ से जो आपका आर का जवाब दिया गया है आप इसे शिक्षा विभाग के पास एक बार जो है वो जरूर पहुँचा जो है वो दीजिएगा बाकी यहाँ पर जब जो आप लोग यहाँ पर कोर्ट वगैरह में अपनी याचिका जो है वो दाखिल किए हैं किए हैं तो उसमें भी ये जो आपका आर वाला रिप्लाई है तो उस मतलब ये जो आपका आरटीआई का रिप्लाई है तो इसे भी वो जो आपका पहले वाला फाइल होगा तो उसमें आप लोग पर अटैच करेगा आप लोग को यहां पर कई जगह जो है बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप सभी लोग जब आप कोर्ट में भी जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि, कि किन के माध्यम से काउंसिलिंग कराया गया और किन के माध्यम से दस्तावेज का जाँच किया गया आप वहां पर बोलेंगे कि देखिए सर नोटिफिकेशन में इस चीज के बारे में आपका दिया गया था और नोटिफिकेशन में इतना था तो हम यहां पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे और जब यहां पर बीपीएससी की तरफ से आप आरटीआई लगाकर भी पर फिर से मांग लिए तो फिर जब आप यहां पर इस आरटीआई के रिप्लाई को आप यहां पर देखेंगे

एक एप्लीकेशन टाइप का लिख के जो आपका CTAE का सर्टिफिकेट होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हो या फिर, जो हो, या फिर जो आपके के करेंगे आप अपना इस करें, या फिर आप अपना करें, तो उसमें आप यहां पर इस चीज के बारे में भी जो है मैंशन करिएगा ये जो आपका आरटीआई वाला जो रिप्लाई है इसे आप यहाँ पर अटैच जो है कर दीजिएगा क्योंकि उसमें कुछ भी यहां पर नहीं पढ़ना है बस उसमें बहुत ज्यादा आपका पढ़ना भी नहीं है आप उसमें देखेंगे तीन ही लाइन में बहुत स्पष्ट रूप से आपका क्लियर मेंशन कर दिया गया और उसमें साफ तौर पे बोला जा रहा है कि कोई राज्य का बाध्यता नहीं है सभी यहाँ पर जो सामान्य कोटी की महिला कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में आपका पचपन प्रतिशत है तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं और उसी के संदर्भ में जो आपका उन्नीस छः दो हज़ार तेईस को जो एक लेटर है वो भी यहाँ पर बी पी एस सी की तरफ से जारी किया गया है तो उस लेटर को भी आप यहाँ पर जो है अपना जो स्पष्टीकरण होगा तो उसमें आप यहाँ पर संलग्न जो है कर लीजिएगा कई जगह आपके इस्तीफा को लेकर जो है वो दबाव बनाए जा रहे हैं जैसे कुछ आपके ब्लॉक वगैरह हैं तो उसमें यहाँ पर एकाध दो इस तरीके से फीमेल टीचर हैं जिनका नाम वगैरह बाद में तो मतलब उस टाइम पर आपका नहीं आया यहाँ पर हर एक चीज़ जो है उसी तरीके से आपका मतलब यहाँ पर पता ही नहीं चला और जब अब यहाँ पर आपका पता चला है तो आप लोग को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने से इस्तीफा जो है वो दे दीजिए अन्यथा आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई वगैरह होगा तो देखिए आपका जो स्व विवेक करे वो आप उस तरीके से करिएगा लेकिन जहां तक ए, मेरा मानना है कि आप लोग यहां पर इस्तीफा मत दीजिएगा क्योंकि आप अपना इस्तीफा देंगे तो फिर हर एक तरीके से जो आपका आगे का रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका बंद जो है हो जाएगा आप अपना इस्तीफा देंगे तो उसमें ये नहीं बोलेंगे कि हमारा सीटेट में इत, ए, मतलब इस तरीके से नंबर है इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं आप अपना इस्तीफा देंगे तो उसमें आप बोलेंगे कि हम यहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहते हैं और अपने स्व विवेक से हम यहाँ पर इस्तीफा जो है वो देना चाहते हैं तो आप यदि अभी वर्तमान में इस्तीफा दे देती हैं और बाद में कोई कोर्ट वगैरह से यहाँ पर आपका जीत मिलता है और फिर जब यहाँ पर इनको शामिल

है कि आप लोग यहां पर इस्तीफा बिल्कुल जो है मत दीजिएगा यदि विभाग की तरफ से कोई आपके खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जा रहा है तो आप उसे जो है एक्सेप्ट कर लीजिएगा अब यहाँ पर जिनको जॉब से बाहर कर दिया गया तो उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए तो देखिए बस आपके पास एक ही रास्ता है वो है यहाँ पर आपका कोर्ट को लेकर जो कि बाकायदा आप लोग यहाँ पर कोर्ट में जो है वो गए हैं देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोर्ट में आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपकी याचिका होगी उसे आप यहाँ पर दाखिल मत करेगा जो आपकी पहले की याचिका हो और जो आपका साहन वाला मैटर हो और उसी साइन के आधार पर यहाँ पर इस तरीके से आपको जॉब से मतलब इस तरीके से आपके मतलब खिलाफ जो कार्रवाई को लेकर वो वो यहाँ पर आपका आदेश जारी किया जा रहा है और उसी साइन वाले मैटर पर आपका पंद्रह मई दो को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी

आप देखिए अधिक कोर्ट केस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जितना भी कोर्ट केस करिएगा उसको आप यहाँ पर मजबूती से जो है वो लड़ेगा ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ए, मतलब कई सारे आप कोर्ट वगैरह में याचिका दाखिल कर दिए और कोई उस तरीके का आपका याचिका है जिसका आप यहाँ पर अच्छे तरीके से वकील अपना नहीं खड़ा करवा पाए या फिर जो आपका तथ्य है उसे आप कोर्ट में जो है वो नहीं रख पाए और पता चले कि कोर्ट की तरफ से कोई इस तरीके का खराब आपका डिसीजन दे दिया गया तो आप सभी लोग को पता है कि वो आपका खराब डिसीजन दिया जाएगा तो यहाँ पर शिक्षा भाग वाले क्या करेंगे कि तुरंत उसी डिसीजन को यहाँ पर आपके अलाउ जो है वो कर देंगे तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना भी आपका कोर्ट में याचिका यहां पर आपका दाखिल होना चाहिए उन सभी याचिकाओं को आप यहाँ पर मजबूती के साथ और जो आपके तथ्य होंगे उसी के आधार पर आप यहाँ पर जो है लड़िएगा ताकि आपको यहाँ पर जीत मिले यदि मान लीजिए हाई कोर्ट की तरफ से आपको यहाँ पर जीत नहीं भी मिलता है तो भी आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट जाने का कोशिश करेगा क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो किसी नौकरी में फॉर्म सबमिट करने को लेकर हो या फिर कोई रिलेक्सेशन को लेकर हो या फिर कोई दस्तावेज को लेकर हो या फिर कोई उम्र में छूट को लेकर हो या फिर यक्स वाई जेड रीजन के चलते वो लोग यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कई महीनों कई सालों तक वो लोग जो है उलटते रहते हैं फिर उनको यहां पर जो है वो जीत मिलता है तो वो लोग यहां पर नौकरी में नहीं है बल्कि नौकरी में शामिल होने को लेकर इतना कोर्ट वगैरह में जो है वो लोग अपना यहां पर समय और उसके साथ ही इस तरीके से अपना लड़ रहे हैं उनका हर एक चीज जो है वो कोर्ट में आपका नुकसान हो रहा है लेकिन जब यहां पर आपका नौकरी लग गया है और आप बाकायदा आठ नौ महीने अपना नौकरी कर भी लिए हैं और नौकरी करने के बाद यहां पर आपको जॉब से हटाया जा रहा है तो यहां पर आप लोग को पक्का जो है वो कोर्ट में जाना चाहिए और हाई कोर्ट की तरफ से आपको जीत नहीं मिलता है तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी आप लोग को यहाँ पर दरवाजा खटखटाना चाहिए क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन के आधार पर आप अपना फॉर्म

आप लोग के फेवर में जो डिसीजन है वो यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से आपके दिए जाते हैं लेकिन आपका यदि पक्ष हो या फिर जो आपके तथ्य हैं वो यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं तो आप लोग को यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से भी जीत मिल जाएगा इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर आपका नहीं है अन्य ज़िले को लेकर कि जिस जिले में आपका स्पष्टीकरण सबमिट करा लिया गया तो उस ज़िले की तरफ से अभी वर्तमान में आपका क्या किया जा रहा है तो देखिए स्पष्टीकरण सबमिट कराने के बाद अभी तक औरंगाबाद के अलावा किसी भी ज़िले में यहाँ पर किसी को भी ऑफिशियल नोटिस जारी करके किसी को यहाँ पर जॉब से आपका नहीं हटाया गया बाकी कोई यदि इस्तीफा देकर यदि चला गया होगा तो वो यहाँ पर आपका अलग मैटर है लेकिन विभाग की तरफ से किसी को यहाँ पर नौकरी से अभी तक आपका औरंगाबाद के अलावा आपके टर्मिनेट जो है वो नहीं

लेकिन उन लोग का यहाँ पर साथ जो है वो दीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर इस टाइम पे वर्तमान में आपका जो संगठन हो या फिर जो आपका एकता हो वो यहाँ पर आपका मजबूत जो है होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर ए, मतलब एक संघ की तरह या फिर आप यहाँ पर एकता बनाकर ही इस मैटर पर आप यहाँ पर जो है वो जीत जाएंगे और अन्यथा इस तरीके से आप सोचेंगे कि हमारा यहाँ पर मैटर नहीं है वो अपना लड़ें तो फिर इस तरीके से आपको भी यहाँ पर दिक्कत होगा क्योंकि अभी मान लीजिए आपको जॉब से नहीं हटाया गया है हो सकता है कि उनको जॉब से हटाया गया और उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ और फिर वो किसी भी तरीके से नहीं जीत पाए और फिर उसके बाद अगले महीने या फिर एक आध दो महीने बाद

आप स्पष्टीकरण सबमिट करिएगा तो इसको भी आप यहाँ पर मैंशन करिएगा और बाकी कोर्ट वगैरह में आपके यहाँ पर आज का दाखिल की गई है तो ये जो आपका कार का, का जवाब है तो इसको भी आप जो है उसमें आप जो है मैंशन जो है कर दीजिएगा तो अभी के लिए तो यही अपडेट है बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इंफॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोगों को पता है कि हम इस राइट टू एजुकेशन इंडिया जब जो शेयर कर देते हैं और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं होंगे सब्सक्राइब करते आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर लिस गॉड ब्लेस ऑल थैंक यू